हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवली व्लॉग्स। आज मैं जा रही हूँ मार्केट और आज का ये व्लॉग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज 2 साल के बाद जो है मेरी मम्मी आई है, मैं उनसे मिली हूँ। तो नेक्स्ट डे उनके आने के नेक्स्ट डे मैं उनको मार्केट लेके गई थी कि मैं सोची चलो मैं तुम्हें मार्केट घुमा देती हूँ, कुछ शॉपिंग करवा देती हूँ, क्योंकि बस उसके बाद तुम रूम पे ही रहना, क्योंकि उनको तो पैर में स्टील है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वही बस थोड़ा मोटा उनको शॉपिंग करवा दे। सबसे पहले तो जेल चुंगी साइड हम लोग, जेल चुंगी नहीं लाग थी मार्केट गए थे, वहाँ से उन्होंने सैंडल लिया, कुछ और कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। तो फिर आ गए थे हम यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट ऋषिका के साथ, एंड ऋषिका और मम्मी शॉपिंग कर रही है यहाँ पे। यह छोटा सा फोटोशूट भी चल रहा है कि मम्मी को ऋषिका बहुत पसंद आई, क्योंकि वो है ही ऐसे एज वी, वो सबको पसंद आ जाते, उसका नेचर ही ऐसा है। तो यहाँ पे ऋषिका मम्मी को शॉपिंग कराते हुए और मैं व्लॉग शूट करते हुए, क्योंकि मम्मी सारा सामान खरीद रही, मैं बोली कुछ और खरीद लो किचन के अलावा, तो नहीं उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो किचन का ही सामान खरीदना था। एक्चुअली मम्मी लोग जो होती है ना, उनको लगता है क्या कि सिर्फ और सिर्फ उनका किचन जितना बेहतर हो सके। तो यहाँ पर ऋषिका उनको शॉपिंग कराते हुए कि आंटी ये अच्छा है, ये देखो इसका मटेरियल अच्छा है, से सब कुछ एकदम ऋषिका ही शॉपिंग करवा रही है। मेरे से तो मम्मी को मतलब ही नहीं है, हाँ ऋषिका है, हाँ बेटा चलो चलो, बस ऐसे ही बात हो जा रही है। तो यहाँ पे मम्मी रख देख रही थी, तो मम्मी ने बोला था कि मुझे थोड़ा जो बड़ा, यहाँ मुझे डिस्क्रिप्शन दे रही थी, मुझे बड़ा वाला रख चाहिए जो कारपेट वाला होता है। तो मैं बोली चलो देखते हैं कारपेट वाला रख। तो यहाँ पे जो कारपेट वाला रख था वो 500 से ऊपर का रख था और वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं बोली कि मम्मी भूल ही जाओ, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, या ऑनलाइन के या फिर मैं आपको बाद में मंगा दूँगी। तो यहाँ पे भी मम्मी का फ़ोटो कि फ़ोटो क्लिक करो। तो ये हो जाता है। यहाँ पे ऋषिका अपना डिस्क्रिप्शन दे रही है कि आंटी ये देखो ये अच्छा है। तो मैंने मम्मी को बोला था कि आप ये वाला ले लो, तो नहीं, लेकिन मम्मी को कलरफुल वाला ही लेना था। तो फिर ऋषिका ने एक पसंद किया था तो वही लिया, ये वाला बॉक्स ऋषिका ने पसंद किया था, ये ग्रीन वाला, तो मम्मी ने वही बॉक्स लिया। तो शॉपिंग ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुकी है। तो अब जाते बिलिंग की ओर, काफ़ी लंबी है। तो बिलिंग करवाने के टाइम क्या हुआ था कि मैंने मम्मी को बाहर भेज दिया था, अगर मम्मी इतना बिल का अमाउंट देखती तो मम्मी गुस्सा होती, इसलिए मैंने उसे बाहर भेज दिया। कैसा लगा मम्मी मेरा कॉलेज, हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अभी मन नहीं कर रहा। हम दोनों यहाँ पे कुली बने हुए हैं ना मम्मी, तुम्हारा कुली सामान ढोने के लिए। आ जाओ मम्मी। विशाल मेगा मार्ट और जितनी भी मार्केट था उनको मैंने एक ही दिन में घुमा दिया। मम्मी बोली कि तुम मुझे सब कुछ एक ही दिन में घुमा दो। मैं बोली हाँ आराम से एक ही दिन में सब कुछ घूम लूँ, उसके बाद तुम आराम करना। फिर मैं अपनी मम्मी को थोड़ा कॉलेज लेके आ गई, क्योंकि दोपहर के टाइम में नहीं घुमा सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक धूप होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी है, मुझे लग रहा है कि यहाँ दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ का ये मंदिर है मेरी यूनिवर्सिटी में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंदिर है। तो मम्मी को मैं यहाँ पे पूरा यूनिवर्सिटी तो नहीं, थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी घुमाने के लिए लेके आ गई थी कि आप देख लो। मैं यहाँ पे इनको मंदिर घुमा दी, फिर ये अपने लैब में घुमा दी। ये मेरा लैब है जहाँ पे हम लोग का काम चलता है, मेरा थीसिस हो रहा है इसी लैब में। तो मम्मी को पूरा मैं लैब दिखा रही थी कि मम्मी ये लैब है, देखो यहाँ पे हम बैठते हैं, ये हमारा केमिकल्स है, इस पर हमारा काम चल रहा है। तो मम्मी को सब कुछ बता रही थी, बहुत अच्छा लगता है अगर ऐसे लाइक आप हम बताते हो तो पेरेंट्स आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद मम्मी से मिली थी। एंड यहाँ जाते वक्त आप देख सकते हो इस मोटू पतलू की जोड़ी, हम लोग बिल्कुल मस्ती करते हुए एक दूसरे पे, मतलब लाइक लग रहा था कि बचपन का याद आ गया, इस तरीके से सवारी कर रही थी ऋषिका सुमन का। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, मतलब रात को ना आप घूमने के लिए यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन बहुत दूर पड़ जाता है, मुझे लगता है अराउंड 1-2 किलोमीटर, और मैं रात के 8 बजे के बाद फ्री ही होती हूँ तो मुझे उतना नहीं हो पाता है। तो एंड फाइनली ऋषिका को बाय बाय कर रही हूँ, रात हो गया था, स्काउटिंग का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा था, 8 बज गया था, तो इसलिए इसको छोड़ रही थी। एंड मॉर्निंग का टाइम हो गया था, मम्मी का जाने का टाइम हो गया है, तो मम्मी जाने से पहले भी काम कर रही थी कि बोली थोड़ा बर्तन मल देती हूँ। तो मैं बोली चलो आप बर्तन मल दो, मैं खाना बना दे रही हूँ। और मम्मी आई थी तो बहुत ज़्यादा सुकून हो गया था मुझे। हेलो गाइस, सो मम्मा चली गई आज फाइनली सुबह दिल्ली से, उनकी ट्रेन है दिल्ली से, वो जाएगी घर। तो एक्चुअली मेरा फेस बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा है, मैं पूरा एकदम ऑयलिंग है मेरे हेयर पे, क्योंकि कल रात को मेरे सर में बहुत तेज़ ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो ऑयलिंग करना बन जाता है। तो अभी थोड़ा काम है, मैं सोची थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया जाए, तो मैं सोची कुछ काम है मुझे, मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ अभी। क्यों हुआ क्या है कि कुछ कपड़े जो मैं अपने रखती हूँ बैग्स में बाहर में, वहाँ पर क्या हुआ कि आपको पता नहीं कैसे, जो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट वाइट कलर का टॉप है, दैट मिकी माउस वाला टॉप जो मैंने सरोजिनी नगर से लिया था, उसमें पीछे से ना पूरा होल टाइप से
हो गया, जैसे किसी कीड़े ने खा लिया है कुछ भी, तो वो मैं अभी चेक करूँगी कहीं उसमें चूहा तो नहीं है वो उस कपड़े वाले बॉक्स में। ऐसा ना हो कि मेरे और भी कपड़े कोई जो है उन्होंने उसने चूहे ने काट दिया हो या कोई कीड़ा हो तो वो काट दिया हो। तो लेट मी चेक दिस। मेरे साथ ना ऑलवेज कुछ ना कुछ ट्रेजडी होती रहती है, फिक्स है। तो मेरा तो वन ऑफ माई फेवरेट टी शर्ट तो मेरा बर्बाद हो ही गया, लेकिन मैंने उस आंटी को बोला, सिलाई वाली आंटी को, कि आंटी कर दो जैसा भी होता है मैं वो पहन लूँगी क्योंकि मेरा फेवरेट है, मैं इसे फेंक नहीं सकती। तो मैं ये पूरा जो है कपड़ों का रैक को एकदम पूरा मतलब निकाल के देख रही थी एक एक कपड़े को कि कहीं मेरा कोई कपड़ा फिर से तो फटा हुआ नहीं है ना, अच्छे से अरेंज कर दे रही थी। एक्चुअली मैंने जो ठंड के कपड़े थे वो भी मैंने अंदर नहीं रखे थे क्योंकि अगर मैं निकालती मेरे कुछ उस कपड़े धुले हुए नहीं थे तो मम्मी धुलने लगती, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि मम्मी काम करे और मैं बैठी रहूं। तो इसलिए मैं कपड़े निकाले ही नहीं, और मम्मी को अगर मैं बोलती कि आप छोड़ दो मैं धो दूंगी तो वो गुस्सा भी होती थी। इसलिए मतलब समझदारी वाली बात इसी में थी कि मैं मम्मी के जाने के बाद ही सारा काम करूं, और अभी तक मैंने ये काम नहीं किया। मैं वीडियो भी थोड़ा लेट ही अपलोड करूँ, मैं बहुत पहले ही व्लॉग शूट कर ली थी, अप्रॉक्स 3 से 3 दिन का तो मुझे लग रहा है कि हाँ लेट हो ही गया है मुझे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं ब्लॉग अपडेट नहीं कर पा रही थी। तो मैं वहाँ यहाँ पे एक एक कपड़ों को चेक करके देख रही हूँ कि कोई फटा हुआ तो नहीं है, और अच्छे से सारे कपड़े को अरेंज करके रख दे रही हूँ ताकि मुझे कभी कभी पहनने में जो ऐसी दिक्कत हो जाती है वो ना हो। तो अब मैं क्या करूँगी, कुछ कपड़े जो मेरे ठंड के बाहर हैं तो उनको मैं, और जो कुछ बचे हैं उनको धो के सीधा अंदर ही कर दूँगी। अभी इस काम को करने में गाइस मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, 1.5 घंटे 2 घंटे मुझे लग गए थे क्योंकि मुझे एक एक कपड़े चेक करने पड़े थे। मैं वीडियो तो एकदम बहुत स्ट्रीट मतलब फॉरवर्ड कर दी हूँ, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि लाइक बहुत फास्ट हो गया था एंड मेरा काम डन। तो नेक्स्ट मतलब उसके आगे क्या हुआ कि बहुत बड़ी ट्रेजडी हमारे साथ हो गई। कैसा लग रहा है ऋषि का शुक्र? बहुत ही अच्छा लगता है, बैक टू बैक बैक टू बैक डांस कर रही है, बैक टू बैक नींद खराब हो रही है और बैक टू बैक प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं। ऐसे हम लोग ना प्लानिंग के लिए केमिकल लेने के लिए 2-3 जगह देखे नहीं मिला, अब नेक्स्ट जगह और जा रहा है, वो लास्ट होप है, अगर वहाँ नहीं मिला तो फिर कहीं भी लेने लगा। होप फॉर देम। हेलो हेलो, तो अभी मैं जस्ट मार्केट से आई हूँ। एक्चुअली मैं गई थी मार्केट पीएल संभालूट, मेरा लैप ही खराब था जो मेरी बहन ने मुझे दिया था कुछ काल में, इसी से मुझे लैप ही ठीक करवाया। मैंने कीबोर्ड दिया तो मुझे टोटल 2500-3000 के एवरेज में बैठ गया, मतलब आज मुझे पूरा पैसों का चुना लग गया अच्छे से। एंड मेरा जींस आया था तो मैं किसी दिन आपको दिखाऊँ, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये जींस जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ का आया है, क्योंकि ना मुझे सबसे अच्छा लगता ये लगा नीचे का पार्ट, सिर्फ 150 में इसलिए आया क्योंकि दे तो रहा था ये 300 समथिंग में, एंड मैंने अपनी मम्मा के फ़ोन से मुझे जाने से पहले ऑर्डर कर दिया था, मुझे उनके फोन में 144 का कैशबैक था, वो कैशबैक भी लग गया। तो ये मुझे जींस 160 समथिंग या 150 का आ गया जो बहुत ही अच्छा है, सबसे अच्छा लगता नीचे का ये डिज़ाइन मुझे लग रहा है। मुझे मतलब मुझे सबर नहीं हो रहा कि मैं कभी पहनूंगी, बहुत ही ज़्यादा कम रेट में मुझे ये मिल गया विच इज़ क्वाइट गुड। बहुत ज़्यादा थक गई आज, बहुत ही ज़्यादा, आपने देखा सीट वगैरह के लिए घूमना हुआ सब कुछ हुआ, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई। तो अभी मेरा बन रहा है गर्मा गर्म चाय, यहाँ चाय का पानी उबल रहा है एंड यहाँ दूध गर्म हो रहा है, तो अभी मैं चाय पीऊँगी एकदम अच्छे से कड़क वाली चाय पीऊँगी एंड जो है सीधा जाके सो जाऊँगी क्योंकि मैं आज जो है लिटरली मैं आज लाइक बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, इतना मार्केट घूमना, फिर कॉलेज का काम करना, फिर ट्यूशंस, फिर उसके बाद फिर लैपी ठीक कराने के लिए गई मैं, तो 2 घंटे वहाँ लगे, 2 से 2.5 घंटे वहाँ बैठने पर, रात अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, 10 बज रहे हैं। तो अब जो है अब मुझे मन कर रहा है कि अब मैं सो जाऊं और कुछ भी ना करूं, मैं जस्ट अभी अपना कड़क वाला चाय पीऊंगी, रिलैक्स करूंगी एंड सो जाऊंगी क्योंकि कल मेरा प्रैक्टिकल भी है। सो जितना जल्दी सोऊंगी उतना सुबह मुझे उठना है क्योंकि मुझे लेट नहीं होना है क्योंकि एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है, इंटरनल में लेट हुई थी, मैं डांस चली थी तो मुझे इस बार एक्सटर्नल के प्रैक्टिकल में डांस नहीं सुना है। सो बाय बाय, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय, गुड नाइट।